हेलो एवरीवन, आई एम निहारिका। वेलकम टू माय चैनल पब्स टू प्लांट। आज मैं आप लोगों के साथ टॉप 5 ऐसे प्लांट शेयर करने वाली हूँ जो तेज़ गर्मी में भी आराम से कटिंग से लग सकते हैं। इन सब की मैं कटिंग्स करके आपको लगाना भी बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ में कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जो अदर प्लांट्स को ग्रो करने में भी आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ईजी टू ग्रो प्लांट है जेड प्लांट। सबसे पहले हम इसकी कटिंग्स ले लेते हैं, उसके बाद मैं एंड में सबकी कटिंग्स आपको लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये छोटी छोटी कटिंग्स, आप इसकी हाफ़ भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल छोटी सी कटिंग भी लेंगे, इतनी सी, तो भी ग्रो कर जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे का हिस्सा कौन सा है और ऊपर का कौन सा। ऊपर के हिस्से को नीचे की तरफ नहीं लगाना, इसलिए अभी मैं ये दो कटिंग्स ले रही हूँ। नेक्स्ट है पोर्चुला का। पोर्चुला का गर्मियों का राजा कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि ये इतना जल्दी ग्रो कर जाता है और ये एकमात्र ऐसी कटिंग है जिसको आप लगाते ही फिर से धूप में रख सकते हैं। धूप में रखने के बावजूद इसकी कटिंग बहुत जल्दी रूट पकड़ लेती है, तो इसकी भी हम कटिंग ले लेते हैं। इसे तो हम हाथ से इस तरह से पिंच भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी कटिंग मैंने ले ली है, इसके मैं टुकड़े कर हाफ़ करके फिर लगाऊंगी। अब नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल सी टर्टल वाइन। ये भी बहुत जल्दी रूट्स पकड़ लेती है, यहाँ तक कि अगर इसकी कोई स्टेम टूट के किसी और प्लांट पर गिर जाए तो भी ये जल्दी से ग्रोथ पकड़ लेगी। मैं आपको एक प्लांट में दिखाऊंगी, ये गिर गई थी और इसने कितनी जल्दी रूट्स पकड़ ली है। इसकी भी मैं कुछ इस तरह से कटिंग ले लूँगी, छोटी छोटी सी, इतनी सी कटिंग भी इसकी लग जाती है। और अगर आप इस तरह से इसे पिंच करेंगे तो ये और भी ज़्यादा घनी होती जाएगी। बस इतनी सी कटिंग बहुत है। अब है ये ब्यूटीफुल सा टर्टल हार्ट। ये प्लांट भी बहुत जल्दी रूट्स पकड़ लेता है गर्मियों में भी। इसकी भी हम कटिंग्स ले लेंगे इस तरह से। बस ये देखिए, इसकी स्टेम के अंदर कितना पानी है। यही वजह है कि गर्मियों में भी ये जल्दी से रूट्स पकड़ लेता है। इसी तरह से मैं कुछ कटिंग्स लेकर आई थी और इसे ग्रो किया था पहले भी। ये देखिए, बस इतनी सी कटिंग्स हमारे लिए बहुत हैं, क्योंकि एक बार रूट्स पकड़ने के बाद ये नीचे से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता जाता है। अब देखिए नीचे कितनी सारी स्टेम्स हैं। ये मैंने इतनी सारी नहीं लगाई थी, थोड़ी सी लगाई थी, लेकिन ये नीचे से अपने आप ही बढ़ता गया। अब हम नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। नेक्स्ट है ये चंपा की कटिंग। चंपा का प्लांट भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है तेज़ गर्मी में भी। अगर आपके आसपास कोई बड़ा सा पेड़ है और उन्होंने कट करवाया है तो वहाँ से ज़रूर कटिंग लेकर आएँ। ये कटिंग जो है ये मैंने खुद से कट करके नहीं लगाई, बल्कि हमारे यहाँ पर बंदर आए थे तो उन्होंने अपने हाथ से तोड़ दी थी ये कटिंग। आप सोचिए जब तोड़ी होगी तो किस तरह से उन्होंने तोड़ी होगी। और मैंने कुछ नहीं किया, बस उसे मिट्टी में डाल दिया। अब इसे एक महीने से ज़्यादा हो चुका है। अब मैं आपको कट करके इसको निकाल के मिट्टी से दिखाऊंगी कि इसके अंदर से रूटिंग हुई है या नहीं। मैं भी आपके साथ ही देखूंगी। इसकी कटिंग मैं करके नहीं दिखा सकती आपको, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि इसकी दो बिलांग की आप कटिंग ले लें और उसके बाद इसे बस मिट्टी में डाल दें। चलिए देखते हैं किस तरह से कटिंग्स लगाते हैं। ये देखिए, ये मेरी गार्डन सॉइल है नॉर्मल, और आप यहाँ पे जो ये ब्लैक देख रहे हैं कंपोस्ट, ये मैंने ऐड नहीं की, ये पुरानी मेरी गार्डन सॉइल है जिसके अंदर ऑलरेडी कंपोस्ट एडिड है। तो कोई कोकोपीट लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल गार्डन सॉइल ही लें। अगर कंपोस्ट नहीं है तो भी आप आराम से ग्रो कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो देखिए ये कैसे लगानी है। पर्पल हार्ट को इस तरह से इसकी जो स्टेम्स हैं, इसकी जो लीव्स हैं, उसे हटा देना है और 2 इंच तक इसे मिट्टी में डाल देना है इस तरह से। ये देखिए, जितनी देर में मैं इसे मिट्टी में डाल रही हूँ उतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह के प्लांट्स आप ज़रूर लगाएं। ये प्लांट्स सदाबहार हैं, यानी कि ये हर साल आपके साथ रहेंगे, पूरे साल आपके साथ रहेंगे। ये प्लांट डॉर्मेंट ज़रूर होते हैं पर मरते कभी नहीं हैं। ये हमने पर्पल हार्ट की कटिंग लगा दी। अब देखिए इसी तरह से बस नीचे की पत्तियां हटानी हैं और इस तरह से लगाना है। अगर आप इसकी कटिंग को इस तरह से रख भी देंगे, ऐसे बस ये रख दिया,
बिना पत्तियां हटाएं तो भी ये बहुत जल्दी से ग्रोथ पकड़ लेगा। अभी मैं आपको पर्पल हार्ट की टर्टल वाइन की एक ऐसी कटिंग दिखाऊंगी जो मेरे प्लांट के ऊपर गिर गई थी, और किस तरह से उसने रूट्स पकड़ ली हैं वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए, बस इस तरह से मैं इसे रख रही हूँ। टर्टल वाइन आप बिल्कुल छोटे से पॉट के अंदर लगा सकते हैं, अगर कोई कप है आपके पास उसके अंदर भी लगा सकते हैं, बहुत बड़ी हो जाती है ये, और छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। मैं भी किसी से कटिंग ही लेकर आई थी, परचेज़ नहीं किया था मैंने ये प्लांट। बस इस तरह से ये लगा दी। अब इसी के अंदर मैं जेड प्लांट भी लगा दूंगी, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बस ये नीचे की लीव्स हटाई और इसे लगा दिया। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है, ये इतनी छोटी सी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास जेड प्लांट बहुत सारे हैं इसलिए मैं थोड़ी सी ही इसकी कटिंग लगा रही हूँ। ये भी है, इसे भी हम इस तरह से लगा देते हैं। और पॉर्चुला का इतना छोटा छोटा सा भी आप लगा सकते हैं, बस ये देखिए इतना छोटा सा, और इसकी कोई लीव्स हटाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से मिट्टी में डालते जाएं। इसकी भी मैं हाफ़ कर दूंगी, ये देखिए। पॉर्चुला का के अंदर बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े फूल आ जाते हैं, और इससे ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट मैंने आज तक नहीं देखा है। इस प्लांट के अंदर बल्कि आप ज़्यादा कंपोस्ट डालेंगे तो फ्लावर्स कम आएंगे, कम कंपोस्ट डालेंगे तो ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। बस ये सब लग गई। अब बस मैं इसके अंदर हल्का हल्का ऊपर से पानी दे दूंगी और इसे किसी शेड के एरिया में रख दूंगी। वैसे तो अगर पॉर्चुला का प्लांट आप अलग से लगा रहे हैं तो उसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने सारे अलग अलग इसके अंदर कटिंग्स लगाई हैं इसलिए मैं इसे शेड में रखूंगी। तो आप भी कोशिश करें अदर प्लांट्स जो भी हमने लगाए हैं, जैसे जेड, टर्टल वाइन और पर्पल हार्ट, इस तरह के प्लांट्स को आप शेड में रखें तो जल्दी इसके अंदर रूटिंग होगी। इन सब की कटिंग के अलावा अगर आप और कोई प्लांट भी कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आप एक ट्राई ज़रूर करें, उन प्लांट्स की कटिंग करके पानी में डाल दें। पानी में रूटिंग जल्दी होती है और कटिंग के मरने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए आप पानी में डालें उन कटिंग को, आप देखिएगा ज़रूर वो रूटिंग पकड़ेगी। हो सकता है 10 में से 8 की रूटिंग हो, लेकिन होगी ज़रूर। चलिए अब देखते हैं इस प्लांट के अंदर रूटिंग हुई है या नहीं। इस प्लांट की कटिंग लगाने के लिए आप इसकी 2 ब्लांक की कटिंग कर दें और इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में डालकर शेड में रख दें, ऐसे जगह जहां धूप ना हो। तब तक रखना है जब तक इसकी नई लीव्स आना स्टार्ट ना हो जाएं। इसकी लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद आप इसे फिर से फुल सनलाइट में रख सकते हैं। वाओ, देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स आई हैं। ये देखिए, दिख रही हैं आपको? ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रूटिंग हो चुकी है। और आप ये नीचे जो स्टेम्स देख रहे हैं, ये मैंने एज अ वेस्ट के तौर पर नीचे डाली थी। जो भी मेरे गार्डन का वेस्ट निकलता है वो मैं पहले नीचे डालती हूँ, उसके बाद मिट्टी डालती हूँ। ये देखिए, और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं गर्मी में इसकी रूट्स ज़रूर निकाल रही हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्लांट को। ये सारे प्लांट्स तो गर्मियों में अच्छे से ग्रो करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प मेरी चैनल को ग्रो करने में भी करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी गर्मियों में भी ग्रीनरी बढ़ा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।